आज कलंगूट पुलिस स्टेशन की टीम ने एक इंटर स्टेट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है। ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये सनबर्न फेस्टिवल को और गोवा के टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके गोवा में आए थे। इनका प्राइमरी टारगेट वॉज टूरिस्ट। देयर मेन टारगेट वॉज ब्रांडेड मोबाइल फोन्स। इनसे हमें 41 ब्रांडेड मोबाइल फोन, जिसमें मैक्सिमम एप्पल का आईफोन है, अभी रिकवर किया है। ये लोग जो इनोवा कार में आए वो भी हमने सीज किया है। वी आर ऑल्सो फाइंडिंग इट आउट वेदर दे आर इन्वॉल्व इन एनी दिस कार्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। इनसे जब पूछताछ किया और भी इंट्रोगेशन किया तो इनसे 8 ग्राम MDMA भी हमने रिकवर किया है। इंट्रोगेशन में बोला ये लोग और भी है, अभी हमने टीम को और जगह में भेजा हुआ है। ये लोगों का प्राइमरी टारगेट थे सनबर्न। इन लोगों ने ये भी बताया है कि दे हैव ट्राई टू स्नीक इन टू सनबर्न बाई बाइंग द टिकट्स। वो बागा में रहते थे होटल में, उन्होंने उधर अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया है। या दैट इज व्हाट वी आर वेरीफाइंग इट। इन्होंने क्या आइडेंटिफिकेशन दिया है, ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज, वी विल चेक दैट एज़ वेल। Along with drugs and robbery, they will also be booked under prevention of organized crime or because we will see it organized crime ke liye we have to have multiple FIRs and the financial implications should be also there. Hum legal opinion lenge agar usme agar we can book under organized crime. रिकॉर्ड्स इन अदर पुलिस स्टेशन एज वेल एंड वी विल ट्राई टू मैच इट।